आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ना मानो तो आप कभी किसी माँ को भोजन बनाते देख लेना। क्या करती पहले माँ, आटे में मिलाती है पानी। पहले उसने किया आटे को गीला, फिर आटे को गीला किया, लोई बनाई, तवे पे रखी, फिर उसने पूरा पानी सुखाया। और पहले की प्रक्रिया में जाओगे तो गेहूं को पहले धोया था, पहले गीला किया, फिर सुखाया, फिर गीला किया, फिर सुखाया, लेकिन जब खाते हैं तो गीला करके खाते, सूखी कोई नहीं खाता। ये जो प्रक्रिया दिख रही ना अनंत बेटा, इस प्रक्रिया को भूलना नहीं। एक के बाद दूसरी प्रतिक्रिया होती ही है, चाहो ना चाहो होती है। विधायक जी, भोजन किया आपने कल शाम को, कहाँ है, कहाँ है बताओ, आया। और जैसे आप एक क्रिया करते हो दूसरी प्रतिक्रिया होती, आप चाहो या ना चाहो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ग्रहण करता है और त्याग नहीं करता? त्याग नहीं करोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। विधायक जी सांस लो, छोड़ना नहीं, चल जाएगा काम। सांस लो, छोड़ना नहीं। एक क्रिया के बाद दूसरी प्रतिक्रिया नियम से होगी। ये जो उपक्रम चल रहा है ये कोई बाहर का नहीं है, बहुत सुंदर सूत्र दिया है शास्त्री जी, तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में, परस्पर ग्रहो जीवा नाम। सुना कि नहीं? परस्पर ग्रहो जीवा नाम। यद्यपि पंचम काल में सूत्र बदल गया है, फिर भी परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का उपकार करना, ये जीव का कर्तव्य है। ये जो बात चल रही ना ये भी आप लोगों के लिए है, और जो लोग जिनका उपचार होने वाला है उनके लिए दूसरी बात अभी आएगी। परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का जीव का जीव के प्रति सद्भावना, सुख में दुख में साथ देना, ये उसका उपकार है। जीव का जीव के प्रति परस्पर में उपकार भावना रखना। लेकिन देखो सूत्र थोड़ा सा बदल गया है, परस्पर उपग्रह की जगह परस्पर उपद्रव हो गया है। परस्पर उपद्रव जीवा नाम मनोज भैया बोले, ये पड़ोसी सुखी कैसे है, व्यक्ति उसी बात से दुखी है। जिसका जो योग है, जिसका जो नियोग है रितेश, उसको तुम टाल नहीं सकते हो। क्या आपको पता था कि आपको 1 तारीख को सिवनी आना पड़ेगा? आना पड़ा है कि आए हो? हैं? देखो विधायक जी अंतर आ गया, एक व्यक्ति को आना पड़ता है, भैया क्या करो, सेठ जी का कार्यक्रम है, चलना पड़ेगा कि चलना है, मंदिर जाना पड़ता है और मंदिर हम जाते हैं। क्रिया एक सी दिख रही है, एक सी दिखने पर भी बहुत अंतर है कि नहीं डॉक्टर साहब बताओ? कोरोना के काल में पेशेंट देखना पड़ रहा था कि देख रहे थे? और बहुत सारे लोग हम भरे कोरोना के काल में बिहार करके आए थे छतरपुर बनारस से पिछले साल, एक एक ट्रक में 100-100 लोग, उसमें भी ऐसे निडर लोग थे जो सेवा करने के लिए खड़े थे। जैसे ही महाराष्ट्र छूटा और एमपी आया, इतने खुश थे वो लोग, बोले भैया वहाँ किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन मध्य प्रदेश में लोग भोजन भी दे रहे हैं। बोलो, हम लोग तीनों महाराज जी थे भैया, ये उपकार की भावना है। भैया प्रदीप भैया, ये जो आपके पूरे ट्रस्ट का उपक्रम है विधायक जी, ये पूरा उपक्रम उपकार की भावना से है। लेकिन भैया उपकार की भावना रखना, उपकार भी करना, लेकिन उपकार करके भूल जाना,
उपकार करके भूल जाना, और जहां आपने उपकार करके भूले नहीं फिर आपका उपकार व्यर्थ हो जाएगा। जिसके ऊपर उपकार हो रहा है वो तो ज्ञान रखे, वो याद रखे, लेकिन जिसने उपकार किया है वो याद ना रखे। बताएं कैसे विधायक जी? एक सज्जन, अब वो कार्ड में लिखते ना जैसे स्वर्गवासी, अब वो घर वालों को पता है कि कहां गया है, फिर भी वो क्या लिखते हैं ऊपर, स्वर्गवासी। पूरे पूरे समाज को, मोहल्ले को, सबको पता है देश को वो सज्जन कहां गए हैं, फिर भी सज्जन बोलना चाहिए, अपन तो सज्जन है ना। एक सज्जन कहीं जा रहे थे, उनको कुएं से आवाज आई, उन्होंने देखा कि नीचे एक व्यक्ति डूब रहा है, उन्होंने रस्सी डाल के उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते उसने पैर छुए, भैया आप धन्य हो, आपके कारण मेरा जीवन बच गया। अब गांव पहुंचे दोनों जन, उस जिसने बचाया था उसके लिए वो जो कुएं में गिर गया था व्यक्ति, क्या कहता, भैया इनका बहुत उपकार है, इनने बचा लिया। अब दो चार पांच दस दिन तो उसने बोला, अब उसने बोलना बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया तो सज्जन को क्या आदत हो गई थी सुनने की, कि सब जगह जाके मेरी तारीफ तो करे। तो थोड़े दिन बाद जब उसने बोलना बंद कर दिया तो वो आके वो स्वयं कहता है, तुमको याद है तुम गिर गए थे कुएं में, हमने बचाया था। तो कहता, हाँ भैया आप ही ने तो रक्षा की थी। एक बार हो गया, दो बार हो गया, एक बार बड़ी सवा लगी थी, उसने फिर बोला, अरे भैया याद है तुम कुएं में गिर गए थे, हमने बचाया था। बोले हाओ बचाया था भैया, 6 महीने हो गए। अब वो कब तक सुनता, एक दिन फिर मिले वो सज्जन, बोले भैया याद है, बोले एक मिनट सुनो तो, इधर आओ कुएं के पास ले चलो। बोले फिर से धक्का मार दो, बोले बहुत दिन हो गए सुनते सुनते भैया, अब बस की नहीं है। बोले वापस फेंक दो, हम आ जाएंगे भैया अपनी स्थिति देख के आ जाएंगे, और नहीं आए तो चल जाएगा। ऐसे लोगों से भैया 400 हाथ दूर रहो। सुरेन जी, अरे उपकार तो करे लेकिन जो निरंतर उपकार गिनाए, इसका तात्पर्य यह है कि उसने उपकार नहीं किया, उसने दिखावा किया है। प्रदीप भैया, 400 नहीं विश्व के जितने भी लोग दिव्यांग हैं उनकी सेवा करना, ये दया दत्ति है। धम्मो दया विशुद्धो, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म धर्म नहीं है, अधर्म ही है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें दया की बात ना हुई हो। डॉक्टर साहब, इनके यहां कोई आया ऑपरेशन के लिए, इनने उठाई बड़ी वाली छुरी, उसको सुलाया, ऑपरेशन किया। पारस भैया कह रहे हैं बताओ कैसा व्यक्ति है चाकू चला रहा है। डॉक्टर साहब, आपने उसके उपचार के लिए चलाई थी कि उसके अनुपकार के लिए, और इस बीच में उपचार करते करते भी आपकी भावना चीती कि इसको कुछ ना हो, लेकिन उसकी आयु कर्म पूरा हो जाएगा, तो इनका दोष है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो भाई छोटे डॉक्टर साहब। ये उपचार कर रहे हैं अच्छी भावना से, पूर्ण सतर्कता से, फिर भी अगर उसके आयु को कुछ हो गया, गलती इनकी है कि नहीं विधायक जी? क्यों? इनकी भावना अच्छी है। इसी प्रकार जिस जीव की भावना अच्छी है, ये निश्चित मान के चलना, उसका आने वाला भाव अच्छा है। भैया जितने लोग यहां बैठे हैं, ये व्यवस्था आप ध्यान रखना, इन्होंने आपकी नहीं की, इन्होंने अपने की है, कि कभी जीवन में हमें ऐसा कष्ट ना हो, और कभी मानक किसी पाप कर्म को जैसे कष्ट आता है, कोई ना कोई दूर करने वाला भी हो। आप सबसे इतना ही कहना भैया, ये जो आपका अंग दिव्यांग हुआ है, ये आपके कारण हुआ है कि दूसरे कारण हुआ है, अब बताओ भैया, बोलो। अपनी कारण हुआ ना, अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस भाव में
अभी जो मनुष्य बने हो आप, ऐसे परिणाम रखना कि दोबारा ऐसी पर्याय ना मिले। आनंद भैया, सुख के दिन में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, दुख के दिन में उसको सब याद आता है। बताएं कैसे? सुनो अनंत, पिताजी ने आके तुमसे कहा, बेटा अच्छी बात नहीं है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम शाम को मिलना हमको। इसने पिछले 2 साल की रिकॉर्ड अपने घुमा लिया पूरा, हमने कहां कहां क्या क्या गड़बड़ किया है। पिताजी को क्या मालूम चल गया है, ये तो 100-1-2 साल की बात है भाई, जो पीछे की जितनी पर्याय हैं उनका क्या होगा। सुन रहे भाई रितेश? सुन रही कि नहीं? जो ये पर्याय हैं इसको बड़े ध्यान से देखना और इस दृष्टि से देखना, कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपकी भविष्य की पर्याय ऐसी होगी। जितने लोगों का यहाँ उपचार चल रहा है प्रदीप भैया, सबको आप व्यवस्था करना, लेकिन एक बात जरूर कहना भैया, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमको एक वचन दो कि आप मद्य मांस और मधु का त्याग करोगे। किसका? मद्य मांस और मधु का, ये 3 चीजों का तो त्याग कर देना भैया, जो हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना और उनसे बोलना भैया भाव अच्छे रखना, आपका भाव अच्छा होगा। क्योंकि गोरा व्यक्ति सुंदर हो जरूरी नहीं और काला व्यक्ति असुंदर हो जरूरी नहीं। सुनो भैया, बिनी भाई सुनो, गोरा व्यक्ति सुंदर हो जरूरी नहीं, गोरा सुंदर तब होगा जब मन का सुंदर होगा। मन की सुंदरता नहीं है, वो सुंदर होके भी असुंदर है, ना मानो बोले बुरा तो नहीं लगेगा भैया। गोयल जी बोल दें, घोड़े की जो लीद होती है, मल होता है, बड़ा चमकता है, लेकिन हाथ में एक बार लग जाए ना भैया, तो छुटाए छुटाए नहीं बदबू जाती उसकी। बोलो सुनील भैया, ये क्यों कह रहे हैं? जितने लोग यहां बैठे भैया, अपने आप को देख कर कभी हीन भाव ना नहीं लाना। ये मत सोचना कि हम अधूरे हैं, आप चाहो तो आप भी पूरे हो। कल कोई बता रहा था कि अभी दिव्यांगों ओलंपिक में दिव्यांग भी जाते हैं ना भैया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए दिव्यांग भी, लाए कि नहीं लाए? उन्होंने अपनी उत्साह शक्ति भंग नहीं की थी। एक पैर से भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी उत्साह शक्ति भंग नहीं की थी, आपने अपनी उत्साह शक्ति भंग कर ली है। हर किसी के पास शास्त्री जी पुरुषार्थ का बल है, शक्ति है, व्यक्ति अपने से हारता है, दूर से बाहर से कभी नहीं हारता। आप सभी अपनी उत्साह शक्ति को ऐसा बनाकर रखें कि हिमाचल तो क्या सुमेरू भी चढ़ सकते हैं, बस मन तो बना के रखें,